नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। नवीन कृषि उपज मंडी में व्यापारी अब चोरों से खासे परेशान हैं। बुधवार को मंडी सत्य नारायण ट्रेडर्स पर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां 20 क्विंटल सोयाबीन चोरी करके ले गए। जहां लगातार हो रही चोरी के विरोध में गुस्साए व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और मंडी की नीलामी भी लगभग 3 घंटे तक बंद रखी। व्यापारियों की मांग थी कि अभी तक हुई चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार को देवश्री एंड प्रियांशु ट्रेडर्स की फर्म पर चोर के द्वारा लोहे के मोटे गेट के लॉक को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और वहां से लगभग 10,000 रुपए में हाथ साफ कर दिया गया। वहीं बुधवार को मंडी व्यापारी सत्य नारायण ट्रेडर्स के यहां चोरों ने ताला तोड़कर 20 क्विंटल सोयाबीन साथ ले गए। 20 क्विंटल सोयाबीन की कीमत लगभग व्यापारी के द्वारा 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। गंज बसौदा से योगेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस चौकी होना चाहिए, जिसे व्यापारी कम से कम सुरक्षित हो जाए। व्यापारी अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये घटनाएं चोरी की हो रही है। आज व्यापारी बैंक से पैसा लेके भी आ रहा है पूरे रास्ते में, और में कोई घटना घटित हो जाए उसकी जवाबदारी कौन लेगा। दो दुकानों के ताले 2 दिन में टूट गए। आज इनके यहाँ 1,25,000 की चोरी हुई है, कल किसका नंबर आएगा क्या मालूम। तो इसे व्यापारी भयभीत है और उसको डर भी लग रहा है। अभी डाक किसान परेशान ना हो, इसलिए डाक नीलामी करी जा रही है। उसके बाद में जो अध्यक्ष जी कहेंगे वही काम होगा। चोरों को सरकार व्यापारी खुद आर्थिक होने लगा है, तो आर्थिक परेशानी तो झेल नहीं पाएगा व्यापारी। तो इस तरह से चौकी स्थापना का भी हमने बोला है, उन्होंने बोला है चौकी के लिए भी हम लिख के दिया होगा हमारा। और उन्होंने जो बोला कि हम आज या कल से दो अस्थायी मंडी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से रात की ड्यूटी बराबर कंटिन्यू मतलब रखेंगे। दिन प्रतिदिन परसों भी हमारे यहाँ अनाज तिलन संघ के सदस्य देवश्री टेरस प्रियांशु टेरस के यहाँ चोरी हुई थी। चोर लोग ऊपर से ताले तोड़कर दरवाजे तोड़कर चोरी कर लेगा। करीबन 6,000-7,000 रुपये की चोरी हुई, उसकी भी कोई अभी तक सुराग नहीं मिला अभी तक। जबकि अपन ने परसों ही मंडी समिति एवं पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी थी, पुलिस भी मौके पर आई थी, जाँच करी उन्होंने, मगर आज तक कोई उसका सुराग नहीं मिला। और आज सुबह फिर मालूम पड़ा कि एक ताले और टूट गए एक दुकान के। हमारी व्यापारी संघ के सत्यनारायण ट्रेडर्स के नाम से फर्म है, उसके करीबन 20 क्विंटल चोरी सोयाबीन का हो गया है। तो इस तरह की घटना अगर घटती रहेंगी तो व्यापारी कैसा काम करेगा मंडी में। वो चोरी इसके पहले भी छोटी मोटी चोरी हुई है, 2-3 बार सूचना भी दी, मगर आज तक किसी भी चोरी की पकड़ाई आज तक नहीं हो पाई है। मतलब SDM साहब ने जो बोला कार्रवाई कर रहा है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाया, SDO साहब भी आए थे, OTI साहब भी आए, सबको बुलाया उन्होंने। और आखिरी में जो हुआ कि भाई इतवार तक हम लोगों ने बोला कि इतवार तक अगर चोरी नहीं पकड़ाती है तो हम लोग नई मंडी में काम करने में असमर्थ रहेंगे। इस प्रकार से अगर चोरी होंगी तो हम कहाँ तक काम कर पाएंगे, सुरक्षा ही नहीं रहेगी हमारी। इतनी दूर मंडी आने के बाद मतलब अव्यवस्थित मंडी अभी पूरी तरह से व्यवस्थित हो नहीं पाई है। लाइट की भी दिक्कत है, सड़क पर भी लाइट की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, 3 सेड़ों में माल तलवा रहा है व्यापारी, व्यवस्था करने चला भाई कृषक परेशान ना हो। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि व्यापारी खुद ही